आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। किसकी मेलोडी आवाज का छाएगा फिल्म में जादू? हाई एवरीबॉडी, दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। 2000 में आई थी मूवी गदर एक प्रेम कथा, और इस मूवी ने लोगों पे ऐसा जादू चलाया कि लोग इस मूवी को आज तक याद रखते हैं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और एक बार फिर इस मूवी की सीक्वल आ रही है। अभी फिलहाल फिल्म का सेकेंड शेड्यूल शूट हो रहा है और नवंबर तक ये फिल्म हमें शायद सिनेमा घरों में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर ये फिल्म नवंबर के मंथ में आती है तो सिद्धार्थ की फिल्म योद्धा भारी कॉम्पिटिशन बन सकती है, क्योंकि हम सबने देखा कि सिद्धार्थ की फिल्म आई शेरशाह कैसे जबरदस्त हिट हुई थी और लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी, और इस फिल्म की कहानी लोगों के दिलों तक पहुंची थी और सिद्धार्थ की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी। गदर में तारा और सकीना के लव रोमांस को सबने खूब पसंद किया था। अब गदर 2 में उत्कर्ष शर्मा हमें दिखेंगे रोमांस करते हुए अपनी लवर के साथ। उत्कर्ष शर्मा के लिए ये फिल्म काफी चैलेंजिंग भी हो सकती है, क्योंकि गदर में सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था और उनकी जोड़ी ने खूब वाहवाही भी लूटी थी। ऐसे में लोग उत्कर्ष शर्मा को कंपेयर कर सकते हैं सनी देओल से। साथ ही साथ उत्कर्ष शर्मा को सिद्धार्थ मल्होत्रा भी टफ कंपटीशन देने वाले हैं, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म भी इसी टाइम रिलीज होने वाली है। ऐसे में हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ के कितने सारे फैंस हैं, और जब से उनकी फिल्म शेरशाह आई है उसके बाद से तो उनका जादू फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा है। ऐसे में उत्कर्ष शर्मा को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने में आया है गदर 2 के सॉन्ग भी काफी जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म में मिथुन अपनी आवाज देंगे और वो काफी पॉपुलर है अपने मेलोडी सॉन्ग्स के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।